अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद हमारा आज का ये वीडियो पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती पर। इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम लोग जो है आज जो टॉपिक पर बोलने वाले हैं वो आपको भले ही थोड़ा अजीब सा टॉपिक लगेगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है अहमियत का हामिल है। मेरे चैनल के तमाम सब्सक्राइबर जितने भी जो है मीडियम के हैं, उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पूरी वीडियो देखिए। हमारा जो वीडियो होता है जनरली बाइलिंगुअल होता है, यानी द्विभाषिक होता है। हम दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि मराठी मीडियम वालों को भी और अदर मीडियम वालों को भी, जैसा उर्दू और मराठी मीडियम के अलावा अदर मीडियम वालों को भी जो है आसानी हो। हमारी वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने टॉपिक देखा है कि जो लॉक की प्रोसेस है वो करने से पहले आपको जो है घर वालों से की राय लेना ज़रूरी है या इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब ये टॉपिक क्यों, इसकी ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई, ये इसलिए क्योंकि इसमें जो है बहुत से ऐसे डिसीजन लेने में बहुत से हमारे जो दूसरे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है और हमारा भी इसमें फ़ायदा होता है। अब वो यहाँ पर नुकसान क्या हो सकता है अगर हम जो है कोई भी प्रेफरेंस लॉक करने के बाद में, अगर उस चीज़ को हम जो है लॉक करने के बाद में अगर आनाकानी करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है हमारा भी और पीछे वाले का भी हमारे, ये हम देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो जैसा कि हमको पता है, वीडियो की शुरुआत में मैं बताता चलूँ कि अगर जो है ये जो हमने आज तक जो बात की है कि भाई प्रेफरेंसेस चालू होने वाले हैं, 4 फरवरी है, आज तक जो है प्रेफरेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन शिक्षण आयुक्त साहब के जो स्टेटमेंट के हिसाब से अगले 2 से 3 दिन में ये चालू हो जाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के मसाइल चालू है और वो जो है तकरीबन क्लियर होते आ चुके हैं। जहाँ तक बात की जाए टोटल वैकेंसीज की, तो अच्छी खासी अपलोड हर मीडियम की हो चुकी है। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से। बहुत से आप लोगों में, मेरे सब्सक्राइबर में भी और मेरा जहाँ तक ये वीडियो पहुँचा है उनमें ऐसे कहीं जो है टैट एस्पायरेंट्स होंगे, जो है महिलाएं होंगी, यानी कि जो लेडीज़ होंगी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और अब वो प्रेफरेंसेस लॉक के जो है सिस्टम का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेडीज़ जेंट्स दोनों भी। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने स्पेशल उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उन पर ये वीडियो जो है ज़्यादा लागू होता है। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने इलाके के अलावा या अपने शहर के अलावा जाना जो है पसंद नहीं करते, अपने ज़िले के अलावा जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल में जो तस्वीर दिख रही है, काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी सालों से बेरोज़गारी जो है चल रही है हमारी और काफ़ी सालों से हमारा ये इंतज़ार था, आज वो हमने एग्ज़ाम दिया है। अब हमको जो है लॉक करने से पहले, यहाँ पर मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है उनसे। जब आप लोग जो भी आप लोग जो है प्रेफरेंसेस लॉक करेंगे वो पूरे होशो हवास में करना है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं खुसूसन मुखातिब हूँ जो है महिलाओं से, क्योंकि इनको जो है दूर दराज के इलाकों में जाने की इजाज़त ज़्यादातर होती नहीं है। अब जो प्रेफरेंसेस आ जाएंगे किसी भी मीडियम वाले को, मिसाल के तौर पर कोई एक कैंडिडेट है एक्स वाई जेड जो भी होगा इसको जो है, और कई ऐसे शहर के जो स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के या बड़े ज़िलों के जो लोग होते हैं वो अपना इलाका छोड़कर जाने की जो है कोशिश करते नहीं है, उनकी इच्छा या उनकी ख्वाहिश होती नहीं है। अब कोई शख्स को जो है बहुत से प्रेफरेंसेस आ गए, कोई एक ए जो है पर्सन है उसको नियर अबाउट उसके लॉगिन पर गवर्नमेंट के, जिसमें ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका है और प्राइवेट भी है, वो उर्दू का है, हिंदी का है, मराठी का है, एक्स वाई जेड, अगर वो है, अब उनको आ जाते हैं नियर अबाउट 30 जो है प्रेफरेंसेस, 30 प्रेफरेंसेस एक शख्स को आ जाते हैं। यहाँ पर मैं उसका जो है फ़ायदा या नुकसान कैसा हो सकता है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब जो वो 30 में जो है वो जो बंदा है वो रहने वाला है या वो लेडी जो है वो रहने वाली है किसी एक्स वाई जेड जो है ज़िले की, मिसाल के तौर पे हम उसको मान लेंगे कि कोई बड़े शहर की वो रहने वाली है, नागपुर की वो लेडीज रहने वाली है, एक्स वाई जेड कहीं के भी हो, तो अब ये जो 30 में उनका जो है उनको नागपुर जो है दिख रहा है और उसके अलावा भी दूसरे ज़िले भी दिख रहे हैं। अब उनको नागपुर के अलावा विदर्भ का इलाका दिख रहा है, विदर्भ जो है नागपुर विदर्भ में आता है, उनको विदर्भ के जो है प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं। अब नागपुर से लगकर जो है वर्धा है और नागपुर से लगकर यवतमाल है, वो साइड से नागपुर से लगकर जो है चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है और गोंदिया है, नियर अबाउट ये जो है उसके आसपास के ज़िले हैं ऐसे लगे हुए। अब इससे जो है हट के जो है अमरावती एक नज़दीक है उनको, तो अब इससे हटकर उनको जो है विदर्भ के जो है 3 से 4 जिले दिख रहे हैं उस 30 में, 3 से 4 जिले दिख रहे हैं, वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। और बाकी के जो है 5 जिले के बाद में जो 25 जिले जो उनको दिख रहे हैं वो दूर दराज के दिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम पकड़ लेंगे कोई कभी लातूर दिख रहा है, कभी नांदेड़ दिख रहा है मराठवाड़ा का, इसके अलावा उनको पुणे दिख रहा है, नासिक दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, NMC जो न्यू मुंबई कॉरपोरेशन होता है वो दिख रहा है, अगर BMC आता है तो BMC दिख रहा है, दूसरे महानगर पालिका दिख रहा है जो उनके एरिया से, विदर्भ के जो है मैंने जितने जिले उनको बताया, एक नागपुर के एरिया से जो है 200 किलोमीटर के अंदर जो है उनको 5 जिले दिख गए उनके इलाके के। अब उनका जो है मूड यहाँ पर ऐसा है कि भाई उनको उनका ही इलाका चाहिए, एक तो नागपुर चाहिए, नहीं तो वर्धा चाहिए, नहीं तो यवतमाल। अब जब ये जो लॉक करेंगे बाकी के जो 25 और 24 जो जिले बन गए, अब उनका कहना है कि भाई चलो लॉक तो आपको करना है एनी हाउ, ठीक है। ये लॉक करते वक्त में इतना बात जहन में रखना है कि भाई अगर आपका इरादा ऐसा है कि मुझे मेरे इलाके के अलावा जॉब ही नहीं करनी है,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक शख्स है जो विदर्भ वाले की मैंने मिसाल दिया, कोई मराठवाड़े वाला है, कोई विदर्भ वाला है, वो लेडीज स्पेशली, उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं है, ठीक है। आप उनको मुंबई, अब उनको ठाणे, कल्याण, डोंबिवली ऐसे भी ऑप्शन दिख रहे हैं, उनको नासिक महानगरपालिका भी दिख रहा है, नासिक जिला परिषद भी दिख रहा है, पुणे महानगरपालिका, पुणे जिला परिषद, जलगांव, जलगांव ZP, जलगांव मनपा ऐसे भी दिख रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ इरादा जैसा मैंने आपको बोला कि नागपुर के जो है आसपास के ही इलाकों में है, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर ऐसे 5 जिलों में उनका ध्यान जो है और इससे बाहर उनको जाना नहीं है। अब वो जब ये चीज़ का फैसला फाइनल करेंगे, उनको वो जो है जिले 5 दिख गए और उनको कहना है कि भाई मुझे इसके अलावा जाना नहीं है, कहीं पर भी जाना नहीं है, तो मेरा ऐसा कहना है कि ये लॉक करने से पहले सिर्फ अगर उन्होंने सोचे कि भाई 5 ही जिले मुझे लॉक करना है, मुझे 5 के अलावा जो है जाना नहीं है, उनको उन्होंने ज़िला आया, उनको BMC बंबई भी आया, उनको NMC भी आया वगैरह वगैरह, पुणे भी आया, और उन्होंने ना चाहते हुए भी देखो लॉक करना नहीं करना ये आपके दिल पर है, इसमें मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ कि लॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको यह जाना ही नहीं है तो जब आप ये लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद इत्तेफाकन ऐसा हो जाएगा कि उन 5 जिलों में उस शख्स का, उस लेडीज का, उस जेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 जिलों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको बाकी के ऑप्शन बाकी नीचे के रहते हैं, वो जो शुरुआत करेंगे तो अपने पास से लेकर तो अपने सबसे दूर तक है ना, सबसे कम डिस्टेंस से लेकर तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जो है लॉक करेंगे वो, अगर उनको जो है दिखते हैं सामने ऑप्शन अपने जिले के, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा वाले की तरफ उनका जो है रुझान नहीं है, उनका जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे नज़र में ऐसा है कि ये चीज़ जो है घर वालों से पूछकर, करीबियों से पूछकर, अपने जो भी एक्सपीरियंस यू लोग नज़दीक में है उनसे पूछकर ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि जब वो ये चीज़ कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, वो लॉक करके उन्होंने फाइनल कर दिया, जब तक पवित्र पोर्टल चालू है उनको हाँ ना यस नो करने की जो है चांस देंगी गवर्नमेंट, नियर अबाउट ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब पवित्र पोर्टल बंद हो जाएगा, पवित्र पोर्टल लॉक करने के सिस्टम के बाद में, फाइनल लॉक करने के बाद में एक डेट खत्म हो जाएगी, और उन्होंने जब ये लॉक किया हुआ होगा, अब वो नागपुर के आसपास के जिलों के अलावा, अब जब मेरिट लगी तो उनका नाम आ गया, जैसा TMC में मिसाल के तौर पर, अब ये ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है नागपुर और मुंबई का डिस्टेंस जो है कम हो गए 700 किलोमीटर का है, अब इनका बिल्कुल भी यहाँ पर जाने का जो है इरादा नहीं है, लेकिन इन्हीं की कैटेगरी के इनके इनसे जो है इनके कम ज़्यादा मार्क वाले, इनसे कम मार्क वाले को TMC जो है मिल सकता था ऐसी कोई कंडीशन है, लेकिन वो जो इनके मार्क को पहले उसने प्रेफर किया, इनसे कम मार्क वाला इनके नीचे था या फिर उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन अगर वो ये लॉक नहीं करते थे तो वो कम मार्क वाला TMC भी जो है लॉक कर सकता था, अब इन्होंने TMC लॉक कर दिए, अब इनका इरादा आयन वक्त पे बदल गया, ये नागपुर वालों का इरादा बदल गया कि भाई हमको ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाना नहीं है, तो ये जो जगह रहेंगी इसका मसला हो जाएगा पैदा, ठीक है। कैसा, अब ये TMC की जगह ये जो उन्होंने लॉक करे थे अब ये यहाँ जा नहीं रहे, तो वो वहीं पर जो है रुक जाएंगी, वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएंगी फिलहाल के लिस्ट के पुरता, अभी के लिस्ट के पुरता, यानी कि इस मेरिट लिस्ट के पुरता पहले राउंड के हिसाब से उसको वहीं रोक लिया जाएगा, और इस जो TMC के उसी वैकेंसी को जो उन्होंने लॉक किया था जहाँ पर कम मार्क वाले को भी मे बी पॉसिबल है कि उसी मीडियम में से चांस मिल सकता था, उसको ना मिलते हुए वो जगह वो उस राउंड में जो है लैप्स हो जाएंगी, वो एक जगह ऐसे जो है सैकड़ों कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे दिलचस्पी ना रखने वाले कि भाई हमको दूर दराज जाना ही नहीं है, तो मेरी नज़र में ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि भाई अगर आप स्पेशली लेडीज़ हैं आप किसी भी मीडियम के, आप कोकण में जाना पसंद नहीं करते, आप घर से 500 से 700 किलोमीटर दूर जाना पसंद नहीं करते, आप किसी दूर दराज के इलाके में जाना पसंद नहीं करते, तो मेरी नज़र में मेरा ख्याल ऐसा है कि उसको लॉक नहीं करना, ये ही हमारी बेहतरी रहेगी। अब अगर अपना ज़िला उसमें आता ही नहीं है, जैसा कि जो आपको प्रेफरेंसेस आए खुद का डिस्ट्रिक्ट उसमें आपको दिखा ही नहीं, अपना जो खुद का जो डिस्ट्रिक्ट है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ नागपुर की मिसाल दिया, किसी की XYZ जो है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट वाले है कोई, इनका उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा लेकिन इनके आसपास के ज़िले दिखे, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से जो है खुसूसन जो है मुखातिब हूँ कि जिनको मार्क्स अच्छे हैं और वो उनके पास के ज़िलों में ही लगना चाहते, लेकिन अगर उनके दिल में ये इरादा है कि मैं लॉक करने के बाद में भी उस ज़िले में मुझे तो जाना तो नहीं है, तो मेरी नज़र में मेरा ऐसा ख्याल है कि कोकण में अगर नहीं जाना है तो तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई कम मार्क वाला तुम्हारे ही मीडियम का लग सकता है उस भर्ती में, ठीक है, क्योंकि वो लॉक करने के बाद नहीं जाना मतलब आप आ जाएंगे गैर हाजिर की यादी में, कौन सी यादी में, गैर हाजिर, यानी कि आपने वहाँ पर हाजिर नहीं हुए, अपॉइंटमेंट नहीं लिया। अब ये जो राउंड लगता है गैर हाजिर, अपात्र, माजी सैनिक और कन्वर्टेड टू ओपन, ये लगते हैं बाद में राउंड्स, तो ये गैर हाजिर की फिर वो यादी बनाते हैं, फिर वो यादी, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो है अपने भर्ती में नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
तो अब ये गैर हाजिर हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं आया वो बंदा नागपुर वाला मिसाल के तौर पर, तो ये हो जाती गैर हाजिर की यदि, और ये गैर हाजिर फिर जो डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में कट जाते वो माजी सैनिक जो कन्वर्टेड टू ओपन रहते वो ऐसा, और जो कन्वर्टेड टू ओपन उर्दू मीडियम का रहता ऐसे राउंड्स जो है फिर लेट लतीफ़ी होती है इसमें। इसलिए मैं मेरा ऐसा कहना है कि अगर किसी भी दूर दराज के इलाके में हमको दिलचस्पी नहीं है, इस ओनली माई ओपिनियन, बाकी क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर नहीं कर नहीं ही जाना है, बिल्कुल इरादा तुम्हारा वहाँ जाने का नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी उसको लॉक करने करना नहीं चाहिए, ताकि उस जगह पे किसी दूसरे कम मार्क वाले का फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज अगर आप 100% तैयार है कि भाई मुझे चाहे कुछ भी हो, महाराष्ट्र का एंड पॉइंट भी अगर मुझे मिलता है, पूरे महाराष्ट्र का एंड पॉइंट भी अगर हमको मिलता है, अदर स्टेट से कनेक्टेड वाले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी मिलता है, तो मैं जाने को तैयार हूँ, तो आप पूरे लॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसमें फ़ायदा ये होगा। और दूसरा जो है नुकसान ये हो सकता है कि भाई मे बी पॉसिबल है कि बहुत से ऐसा हुआ लास्ट टाइम में बहुत से लोगों का कि वो उस डिस्ट्रिक्ट में गए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में गए वो ज्वाइन भी कर लिया, वो उनके इलाके से 500 से 700 किलोमीटर दूर था, बहुत दूर दराज के कोकण के इलाके थे, इनका जो रहने का जो तरीका था वो अलग था, यानी कि मिसाल के तौर पर इनका जो ज़िले का इनका जो डिस्ट्रिक्ट था या इनका जो शहर था वो बहुत ज़्यादा ईजी जो है वे में, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा सहूलियत वाला था, वो चले गए दूसरी तरफ, उर्दू मीडियम में भी मराठी मीडियम में भी तकरीबन ये हुआ है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़ कर आ गई, ठीक है। अब आप एक बार लॉक कर लेते हैं, और उसमें आपका ये भी दूसरा पहलू इसका मैं ये बताऊँगा कि एक बार आपने लॉक कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब उस लिस्ट में से, उस पवित्र पोर्टल की कैटेगरी में से आप आउट हो जाएंगे नाम के साथ में। मिसाल के तौर पर उसने ना चाहते हुए भी कोकण का कोई ज़िला रत्नागिरी जो है आखिर में छोड़ दिया कि भाई चलो जाने तो नहीं, लॉक करने से बेहतर इसको लॉक ही करके जाना। अब उसको पूरे ज़िले ना मिलते हुए उसको रत्नागिरी मिल गया। अब ये रत्नागिरी में उसको अपॉइंटमेंट लेना कंपलसरी है। इस रत्नागिरी में मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट को, कोई भी एक कैंडिडेट है, उसने लॉक किया और उसने लॉक करके ऐसा बोला कि नहीं भाई मैं रत्नागिरी को नहीं जाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा अगले ज़िले को मुझे लेना है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आ गया, मतलब उस पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में सिर्फ वो रत्नागिरी के लिए लागू है। मिसाल के तौर पर जिस ज़िले में उसका सिलेक्शन हुआ है ज़िला परिषद में, उसके लिए वो लागू है, वो उसके मर्ज़ी से नहीं चल सकता कि भाई लेडीज़ हो या जेंट्स हो कि भाई मुझे रत्नागिरी नहीं चाहिए, मैंने तो ये लॉक करा था। जो सिस्टम मैं आपको पवित्र पोर्टल का बता रहा हूँ कि वो रोल ओवर करते हुए आपको वहाँ तक ले जाता है। अगर आपको लग रहा है 120 मार्क पर मुझे जितने प्रेफरेंसेस आए हैं ये मुझे बहुत आसानी वाले प्रेफरेंसेस हैं, यानी मेरी सहूलत के हिसाब से है, मिसाल के तौर पे अमरावती वाला बंदा है, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है वगैरह, उनको जो है सिर्फ अच्छे इलाकों में रहने की आदत है, या मुंबई का कोई शख्स है लेडीज़ या जेंट्स, 120 मार्क पर उर्दू मीडियम में उसको उसके कैटेगरी में अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल हो गए और बाकी के बहुत दूर के ऑप्शन हुए, लेकिन उसके दिल में कतई नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है, फिर भी उसका लॉक करना ये उसके लिए भी खतरा है और उससे कम मार्क वाले के लिए भी खतरा है। कैसा? क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता। अब वो जैसा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, अब वो बोलने लगा कि नहीं यार मुझे तो इतने दूर जाना नहीं है और इतने दूर के इलाके में मैं जॉब नहीं कर सकता है, कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों की इजाज़त नहीं है। अब नुकसान ये है कि एक तो उसको भी जो है नहीं जाने की वजह से उसको कोई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट नहीं देंगी कि भाई चलो तुमने ये नहीं लिया तो तुम कोई दूसरा लो, ऐसा कतई नहीं है, इस गलतफहमी से दूर हो जाओ। लेकिन जो कम मार्क वाले को वो ऑप्शन मिलने वाला था, जो रत्नागिरी का किसी कम मार्क वाले को मिलने वाला था, वो उस लिस्ट में ही नहीं आया क्योंकि इसने वो लॉक कर दिया था और उसको सामने में प्रेफरेंसेस दिखानी, वहाँ प्रेफरेंसेस खत्म हो गए उसी की कैटेगरी वाले को। तो ये चीज़ होती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सोच समझकर और बहुत ही ठंडे दिमाग से ये फैसला लेना चाहिए। 2 से 3 दिन में प्रेफरेंसेज स्टार्ट होंगे, ये प्रोसेस चलेंगी, मे बी पॉसिबल है कि आगे पीछे हो सकता है, 2-3 दिन में ऐसा उन्होंने कहा है कि प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाएंगी। आज के इस वीडियो के जरिए यही क्लेरिफिकेशन कराने की मैंने कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, कोई प्रेफरेंसेज मिल रहे हैं, तो उसको सोच समझ कर लॉक करो, ताकि जो है जहाँ अपनी दिलचस्पी नहीं है वहाँ जाने की नौबत ना आए। एक बार आपका कोई ज़िले में सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आ गया, उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, कोई दूसरा जिला आपकी मर्जी से आपको दिया नहीं जाएगा, ये गलत फहमी से दूर रहो। अगले राउंड में, नेक्स्ट राउंड में आपको चांस नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार सिलेक्शन लिस्ट में, पहले लिस्ट में आपका नाम आ गया, मतलब आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आप उस ZP को एक तो ज्वाइन कीजिए या फिर छोड़ दीजिए, वहाँ से आपकी नौकरी जो है अगले डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं करके देंगे। अब जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड रहेगा, अब ये किसके लिए लगेगा? जो उस लिस्ट में नहीं लगे, वो जगह कन्वर्ट में हुई, ओपन में कन्वर्ट होगी, और ओपन में कन्वर्ट होगी जो बच्चे होंगे वो फिर वैसे ही मैरिट के हिसाब से, यानी ज़्यादा से तो कम मार्क की तरफ, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला जो मैरिट रही थी उसी हिसाब से वो लगेगा, ठीक है। ये रहता है कन्वर्टेड टू ओपन के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश किया, टॉपिक जो मैंने बहुत जो है सोच समझ कर चुना हूँ,
काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोज़ नहीं आई थी, तो इस टॉपिक पर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो फ्रेशर जो है डीएड बीएड सीटीटी टीईटी पास या देने वालों के लिए रहेगा कि वो क्या करे, अपना जो है प्लानिंग क्या करके रखे अगर वो डीएड बीएड फ्रेश है और सीटीटी टीईटी पास है या फिर देने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों तक ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।